कानपुर की विधानसभा सीसामऊ जो बीते 25 सालों से समाजवादी पार्टी का एक किला बन चुकी है, बीते 2017 के विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो बसपा और समाजवादी पार्टी और भाजपा ने भी सेंधमारी करने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। भाजपा ने सीसामऊ विधानसभा सीट से मौजूदा कद्दावर नेता और MLC सलील बिश्नोई जी को खड़ा किया है। क्या लगता है, 22 की कुछ आस है? 22 में 25 सालों से जो एक ही परिवार ने सीसामऊ को न विकास कराया, न सड़कें बनी, न पानी का इंतजाम हुआ, सीवर आज भी बह रहा है, जो कीचड़ बना दिया था सीसामऊ को, उस कीचड़ में भाजपा का कमल खिलेगा। आर्यनगर से आप 2017 में चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए, वजह क्या थी कि आपको जीत हासिल नहीं हुई? वजह थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। गठबंधन था लेकिन अब समाजवादी पार्टी अब अकेली लड़ रही है, तो ये समझते हैं कि वो पहले से और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, कहीं इस बार भी खतरा ना हो जाए? ये सिर्फ अखबारी बातें हैं, कहीं कोई मजबूत नहीं हुई है, उनको इस बार पता चल जाएगा 10 मार्च को। अगर बसपा की बात करें, वो कह रहे हैं कि अब हम भी भाजपा को और समाजवादी पार्टी को किनारे करने के लिए आए हैं, लगता है कि वो चुनावी मैदान में है? ये आपको महसूस हो रहा होगा कि वो चुनावी मैदान में है कि नहीं, प्रत्याशी जरूर उनके मैदान में है। जब प्रत्याशी है मैदान में, मुद्दों की अगर बात करें सीसामऊ की, मुद्दे क्या कुछ रहेंगे आपके लिए, जनता को क्या कुछ बता रहे हैं आप? देखिए, मुद्दे तो ये हैं कि इन 25 सालों में कुछ विकास ही नहीं हुआ सीसामऊ में, आज भी सीवर सड़कों पर गलियों में बह रहा है, पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है, बिजली की बात तो सरकार ने ठीक कर दी लेकिन सड़कें अभी टूटी हुई, जब जो प्रतिनिधि है, जो MLA है, वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि जो कानपुर की बाकी 7 सीटें भाजपा के खाते में हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। आप तुलना करके देख लीजिए भाजपा के उसमें विकास हुआ कि नहीं हुआ। अकेले हमारे महाराजपुर सीट पर 200 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ है, गोविंद नगर में काम हुआ है, सब जगह काम हुआ है, इतना बजट लाए हैं, कराया है काम। रोजगार को लेकर के क्या कुछ आप कैसे मौका देंगे युवाओं को रोजगार को लेकर? देखिए, रोजगार हमारी योगी सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां दी, सारी पारदर्शी तरह से नियुक्ति हुई, कहीं कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। इसके पहले सपा बसपा के राज में कोई भी नौकरी निकलती थी तो उसमें इटावा, मैनपुरी और कन्नौज और रामपुर के अलावा कहीं नौजवान आता नहीं था, और उसमें भी बिना दक्षिणा लिए समाजवादी पार्टी ने एक भी अपॉइंटमेंट किया नहीं, चाहे सिपाहियों का मामला हो चाहे टीचर्स का मामला हो। आखिरी सवाल, कानपुर की 10 में से कितनी सीटों पर भाजपा कब्जा कर सकती? 10 की 10 जीतेंगे हम। जितने भरोसे से आप कह रहे हैं उतने भरोसे समाजवादी पार्टी और बसपा वाले भी कह रहे हैं? वो कहेंगे, उन्हें तो अपना बनाए रखना है, दुकान उनकी खुल चलती रहे, इसके लिए वो तो प्रयास करेंगे। शुक्रिया। सलील बिश्नोई जी जो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि कानपुर की 10 में से 10 सीटों पर भाजपा एक बार फिर से कब्जा करके दिखाएगी। फिलहाल के इतने सनेस न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।